मैं जानती हूँ तुम सैड हो और होगे भी क्यों नहीं, ये टाइम बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे। Don't touch me. दूर रहो मुझसे। Fine, fine. मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी पर हम बात तो कर सकते हैं ना। तो समझ नहीं आ रहा मुझे धोखा किसने दिया, कोबे का ने या तुमने? मैं मानती हूं मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं, बट आई हैड टू डू इट सक्षम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। और मैंने जो भी किया तुम्हारे सामने किया, पीठ पीछे छुरा नहीं भोका गोपिका की तरह। गोपिका को पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं दे देता उसे पैसे, उसे धोखा क्यों दिया मुझे? कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये तो मुझसे ज्यादा नफरत करने लगा है गोपिका से। और पंप करे से प्रिया, यू नो व्हाट, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर मैं ये सब नहीं करती ना तो गोपिका का असली चेहरा सबके सामने नहीं आता। वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ऐसी बेवकूफ बनाती रहती, लालची औरत कहीं की। प्रिया, शायद तुम सही कह रही थी कि गोपिका मेरे लायक नहीं है। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, जो कुछ भी हुआ ना कभी ना होता। उस वक्त मेरी आंख खुल जाती जब तुमने मुझे उसके बारे में बताया था, मैंने क्यों नहीं तुम्हारी बात मानी? आज जो कुछ भी हुआ कभी ना होता, कभी ना होता। बंदा बॉटल में उतर गया। देर आए दुरुस्त आए। देखो प्रिया, अब और मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता। अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो कि तुम मेरी फैमिली के साथ कभी कुछ गलत नहीं करोगी, कभी भी नहीं, तो मैं भी सब कुछ भुला के आगे बढ़ूंगा। जो सिंदूर तुमने धोखे से अपनी मांग में भरवाया था ना, शायद उसे मैं सच मान लू। हाँ सक्षम, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, वापस पहली जैसी प्रिया बन जाऊंगी, आई प्रॉमिस। धोखा मत देना। चुटकी सिंदूर में इतनी ताकत होती है? सक्षम, सच में मेरा होने वाला है वो भी इतना जल्दी? ओह गॉड, थैंक यू गोपिका डार्लिंग। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो मैं यहाँ करने आई, कब से कोशिश कर रही हूँ, तीर निशाने पे लगी नहीं रहा है। अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसी लगी रहो सफलता मिल जाएगी। इतने यकीन से कैसे कह सकती हूँ? मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो। पहली सफलता मिल गई है, प्रिया नाम की मछली हमारे जाल में फंस चुकी है। गोपिका,
कहाँ जा रही थी? वो भी ऐसे बीच सड़क पर। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? गोपिका मैं मानता हूँ तुमने जो वीडियो वो देखा वो सच था, लेकिन प्रिया ने अपने तरीके से एडिट किया है वो, अपने तरीके से, ताकि आपको बहका सके। गोपिका वो तब का सच था, लेकिन आज मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। गोपिका मैं मानता हूँ कि तुम्हें समझ में मुझे देर लगी, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। क्या तुम्हारे प्यार का जो एहसास है वो गलत है? क्या मेरा प्यार गलत है? गोपिका आज मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे, अब मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूंगा। और प्रिया कौन है वो? सिर्फ प्यार तो बहुत दूर की, मैं गोपिका प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज गोपिका प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आई लव गोपिका। सक्षम जी उठिए। सक्षम जी, मैंने कभी आप पे शक नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। मेरा घर छोड़ के जाना जरूरी था ताकि प्रिया बेन को हम ये यकीन दिला सके कि वो जीत गई है और मैं हार गई हूँ। उसने हम सबके खिलाफ एक साजिश रची है, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ। हमें भी प्रिया बेन के साथ यही करना है। गोपिका तुम प्रिया की बातों इतना सीरियस क्यों ले रही हो? कौन है वो? गोपिका मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए बस। सक्षम जी बात समझने की कोशिश करिए, बात आपकी और मेरी नहीं है, बात पूरे परिवार की है। आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी उसने अपने नाम कर ली है, वो प्रॉपर्टी जो आपकी है, आपके परिवार की है, इतने सालों तक आपने मेहनत की है उसके लिए। गोपिका उसके लिए कोर्ट है ना, तुम बताओ तुम कैसे करोगी, कोई है आइडिया? देखिए सक्षम जी, हमें मिलके उसे ये यकीन दिलाना है कि आप मुझसे नफरत करते हो। नफरत तुमसे? तुम पागल हो गई हो, तुमसे नफरत? सक्षम जी हमें सिर्फ नाटक करना है, अगर प्रिया बेन को हराना है तो हमें सबसे पहले उसे ये यकीन दिलाना होगा कि वो जीत गई है। हाँ सक्षम जी, पहली जीत मिल चुकी है, लेकिन अभी जंग जीतना बाकी है, और ये हमें नहीं भूलना। प्रिया बेन बहुत ही शातिर है, जब तक उसे हम पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं हो जाता तब तक आपको मुझसे नफरत करने का नाटक जारी रखना होगा। गोपिका मुझे तो पता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सब परिवार के लिए तो बुरी बनती जा रही हो। परिवार की खुशी के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए बहुत ही छोटी कीमत है, और यकीन करिए टाइम आने पर माँ जी और सबको हम सब कुछ सच सच बता देंगे, और मुझे पूरा भरोसा है वो हमारी बात पे जरूर यकीन करेंगे। पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा, गोपिका कम से कम माँ को तो बता ही सकते, गोपिका वो बड़ी है और वो तुम पे भरोसा करती, तुम्हें प्यार करती। हाँ सक्षम जी, जब माँ जी ने मेरा ये रूप देखा, उनकी आंखों में वो प्यार, वो चिंता मुझे नजर आई, पर मेरी चिंता ये है कि अगर माँ जी को हमने सब कुछ सच सच बता दिया तो यही प्यार और चिंता बढ़ जाएगी, और अगर प्रिया बेन ने ये देख लिया तो मुझे नहीं लगता इस वक्त ये सही रहेगा। देखिए सक्षम जी, ऐसा बुरा बर्ताव करना मेरे अपने परिवार के साथ मेरे लिए भी आसान नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती सक्षम जी ये सब करते हुए, लेकिन अगर परिवार को बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा। गोपिका पता नहीं ये परिवार तुम्हारा कैसे एहसान चुकाएगा, आई विश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। आप मेरे साथ हो ना, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सक्षम जी ऐसे मिलना और बातें करना मुझे लगता है थोड़ा रिस्की है, हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैं इसे भी निकाल लेती हूँ।
फाइनली सक्षम तेरा होने वाला है प्रिया। इससे पहले तो उसने दूध का ग्लास फेंक दिया था, पर अब मैं उसे ये दूध पिला कर ही रहूंगी और फिर सेट होगा मूड शादी की पहली रात का। सक्षम, ये तुम्हारे लिए। सक्षम कहाँ चला गया?